आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। लोक निर्माण विभाग राजमार्ग के अधिकारियों की लापरवाही से दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही खेतिया सेंधवा सड़क। खेतिया मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा 100 करोड़ से अधिक की लागत का खेतिया सेंधवा मार्ग व पुल पुलियाओं का निर्माण कराया गया। MPRDC द्वारा निर्माण कराए जाने के बाद निर्माण शर्तों के अनुरूप सड़क का रखरखाव होता रहा। पिछले दिनों शासन द्वारा खेतिया सेंधवा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा इस सड़क को लेकर लगातार लापरवाही बरती जा रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर से प्रवेश द्वार खेतिया में मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ होते ही बने पुलिया के जोड़ पर बड़े गड्ढे हो गए। बैरियर चौराहे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जहां वाहन हिचकोले लेकर चल रहे हैं। इसी मार्ग पर सड़क टूटने लगी, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। मैलन से नेसरपुर ग्राम के निकट मैलन नदी पर बनी पुलिया में सरिये ऊपर निकलने लगे। वहीं पुलिया चौड़ी होने के बाद भी मात्र एक वाहन निकल पा रहा है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होने से राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क के रखरखाव को लेकर अनदेखी की जा रही है। इस सड़क से होकर विशिष्ट अति विशिष्ट नागरिकों के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारी गुजर रहे हैं, किंतु हादसों को निमंत्रण दे रही इस सड़क की ओर किसी का ध्यान नहीं। स्थानीय नागरिकों द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की 181 CM हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद विभाग इस शिकायत को सुझाव बताकर शिकायत बंद कर दी जा रही है। ऐसे में इसका रखरखाव किस प्रकार होगा, ये समझ से परे है। खेतिया सेंधवा मार्ग MPRDC के पास रहने तक रखरखाव नियमित होने से सड़क की क्वालिटी और यातायात निर्बाध बना रहा। मध्य प्रदेश में प्रवेश के लिए खेतिया सेंधवा मार्ग है, जो सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई आगरा रोड से जुड़ता है, जिसके चलते यहां से गुजरात और महाराष्ट्र का संपूर्ण परिवहन भी होता है। वाहनों के परिवहन को लेकर मध्य प्रदेश शासन की परिवहन जांच चौकी भी स्थापित है। जांच चौकी पर भी सड़क की स्थिति खेतिया सेंधवा मार्ग से कहीं भी अलग दिखाई नहीं देती। परिवहन जांच चौकी पर दोनों ओर से प्रवेश और निर्गम के रास्तों की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती। राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 752G खेतिया सेंधवा मार्ग की हालत बद से बदतर होने लगी। पिछले दिनों सड़क के गड्ढे बचाने के चक्कर में दो वाहन आपस में भिड़ गए। शहर के बैरियर चौराहे पर हुए बड़े बड़े गड्ढों के चलते कई वाहनों के टायर फूट गए। पुलिया के निकले सरियों में वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सड़क मार्ग की दुर्दशा के चलते नागरिकों में अब आक्रोश बढ़ने लगा। जहां एक ओर सड़क दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रही है, वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग का लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से आंखें मूंद कर बैठा है। लोक निर्माण विभाग शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। स्थानीय स्तर पर नागरिक खेतिया सेंधवा मार्ग की दुर्दशा को लेकर शासन प्रशासन द्वारा की जा रही उपेक्षा को लेकर आक्रोशित है। खेतिया सेंधवा मार्ग क्षेत्र के लोगों की जीवन रेखा है। इसी मार्ग से जिला मुख्यालय को जोड़ा जा रहा है, किंतु दुखद है कि ऐसी सड़क का रखरखाव लोक निर्माण विभाग राजमार्ग द्वारा नहीं किया जा रहा, जिसके चलते गंभीर दुर्घटना की संभावना लगातार बनी है। खेतिया से राजेश नाहर की विशेष रिपोर्ट।